मैं खूबसूरत गांव लुआंग से सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब। मेरा नाम है हिमालयन ब्लॉगर्स। बनी वैली की खूबसूरत हसीन वादियां कमलास मंदीधार आप सबका स्वागत करती हैं। आज बहुत ही मौसम सुहाना है। सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं। मौसम बिल्कुल साफ है, आकाश बिल्कुल साफ है, कोई बादल नहीं, कुछ नहीं है। पिछले कल काफ़ी बारिश पड़ी थी, आज सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही है। घर वालों ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि भाई मुर्गे आपने छोड़ने हैं और उनको दाना भी आपने देना है, बाकी 2-3 और काम मुझे दिए हैं, वो काम मैं ख़त्म करके आज जो मैंने व्लॉगिंग करनी है वो जाना है। बहुत ही खूबसूरत गांव है, वो गांव है चूचली गांव। मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ, अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। क्या ही बात है, बहुत ही ठंडा पानी है इसमें, बहुत ही ठंडा पानी। हमारे लवांग नॉर्थ में ही सबसे बड़ा बगीचा हुआ करता था अखरोट का, आज बहुत ही काम यहाँ दिखाई देते हैं। यहाँ पर भी नाम बाग ही था, बगीचे के नाम पर बाग नाम पड़ा है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर मकान भी साथ साथ में हैं, तो अखरोट ज़्यादातर यहीं पर मिलते थे। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा रास्ता बनाया है, पक्का रास्ता है। यहाँ छोटी गाड़ियाँ पहले चलती थी, अब नज़र नहीं आती हैं, ना ही आज चलती। हो सकता है ये बीच बीच में ख़राब हो गया होगा रोड। नफीस भाट साहब हैं यहाँ लवांग नॉर्थ के रहने वाले हैं, वो भी यूट्यूबर हैं। मैं उनसे मुलाकात करना चाहता, मेरी दिली ख्वाहिश है। वो भी कभी कभार मुझे कमेंट्स करते रहते हैं, यार बाहर घूमो ताकि ग्रो हो जाए आपका। मेहनती जो तकलीफ़ जो कष्ट इन लोगों ने उठाई हैं, काबिल तारीफ़ है। ये हमारे लिए एक मिसाल है और लोगों के लिए मिसाल है। आज भी ये बच्चा काफ़ी मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, तो मुबारक है इसके लिए। हादिया भट्ट। हादिया भट्ट कितने क्लास में पढ़ते हैं? फोर्थ में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं आप? लुआंग में पढ़ते हैं। अंग्रेजी स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में? अंग्रेजी। हमारे जीजा जी खुशाद भाट साहब, ये उनकी शॉप है यहाँ पर, ये सामने बहुत ही खूबसूरत सब यहाँ चीज़ें जो हैं सजाई गई हैं। दिल करता ये लूँ वो लूँ ये लूँ, क्या क्या लूँ यार मैं अभी। ये देखो यहाँ चूचली गांव को खूबसूरती बनाने में दो नदियाँ अहम रोल अदा करती हैं। एक नदी जो आती है सेवा दरिया सेवा सरथल से, एक नदी आती है किरसू नाला। ये है मेरे सामने बहुत ही खूबसूरत सुंदर गांव चूचली गांव। लुआंग नॉर्थ में बेहतरीन यहां पर टैंकी बनाई गई है, इसे काफ़ी तरक्की इन्होंने की है पंचायत नॉर्थ में, तो ये बहुत खुशी की बात है। यहां पर रास्ते भी बहुत ही अच्छे बने हुए, पक्के रास्ते। इस वक्त में मेरी जो कज़न है, ये मेरा कज़न का लड़का है, भांजा है मेरा, ये सका भांजा है, ये इनकी दुकान जो है मैं नदी के एक तरफ, बहुत ही खूबसूरत दुकान है। बहुत ही यहाँ पर जो चीज़ें हैं सजाई गई हैं। आज ये पुल जो है जो चूचली को जोड़ने वाला पुल है, अपनी जवानी अपनी बुढ़ापे पर ये रोता है। आज इसकी अगर हालत देखें तो बहुत ही खस्ता हालत है, ये देख सकते हैं। मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कम इस पर ध्यान दिया जाए। खासकर पंचायत वालों से भी रिक्वेस्ट है कि इस पर ध्यान दिया जाए। या ये हालत है इस पुल की, मैं भी क्रॉस कर रहा हूँ, जहाँ फट्टी वगैरह है वहाँ तो लगाई है किल के साथ, एक जगह पत्थर रखा है, बच्चे यहाँ पर क्रॉस होते हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। नए तरीके और नए ढंग से बनाए जाए, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। टेक्नोलॉजी के ज़माने में लकड़ी का पुल बुरी हालत में है, एक माचिस की तीली भी लेनी हो तब भी इनको लवांग में आना पड़ता है। ये बहुत ही खूबसूरत है यहाँ जगह, बहुत ही खूबसूरत पुल था, मगर आज इसकी हालत बहुत ही खस्ता है। नदी के एक साइड हम बैठे हुए हैं, पूर्ण कुमार इनका नाम है। ये जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? हम रोल का जा रहे हैं। रोल का जा रहे हैं, ये मुझे रास्ते में मिला, इन्होंने भी मुझे सपोर्ट की सब्सक्राइब के जरिए, बहुत बहुत इनका शुक्रिया है। सामने हूँ चट्टान के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत गांव चूचली है। मुझे याद आया किनावर का, किनावर में भी ऐसी बड़ी बड़ी चट्टाने होती है, तो ऊपर गांव होता है, नीचे नदी होती है, ये सामने पुल है।
अभी मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ चुंचली गांव के लिए। ये रास्ता है चुंचली के लिए जो है, ये मेरे आगे आगे चल रही है। बहुत ही खुश है यार ये भी, देखो कैसी चल रही है छलांगे मार मार कर। ये है, ये पानी जो है करोड़ों के हिसाब से अगर पैसा हम खर्च करेंगे ये पानी नहीं मिल सकता। ये पानी जो है चट्टान में निकलता है। ये किस्मत वाले लोग हैं जो इस पानी को पीते हैं। ये है पानी चुंचली का, यहीं से लोग जो है पानी ले जाते थे ऊपर गांव के लिए। मुबारक है उन बुजुर्गों को जो लेडीज जेंट्स उस ज़माने में पानी यहीं से ले जाते थे। आज बहुत मुश्किल हो जाता है, आज घर में नलके लगे हुए वहाँ पर पानी भरना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत दिक्कत हो जाता था, मगर ये लोग यहीं से पानी ले जाते थे। मुबारक है उन लोगों को जो यहाँ से ऊपर चुंचली में पहुँचाते थे पानी। अब मैं आस्ता आस्ता इस सीढ़ियाँ क्रॉस कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, चुंचली की तरफ। बड़ी खुशी है दिल में, बड़ा वलवला है, जोश है, क्योंकि आज सुबह मैं जागा था 5 बजे। मैंने हाथ मुंह धोकर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी, फिर बहुत से काम मुझे ऐसे थे जो ज़रूरी करना था। क्या अगर घर का काम नहीं करेंगे तो घर वाले नाराज़ भी हो जाते हैं, यार देखो इस सुबह शाम वो लागिंग के पीछे पड़ा हुआ। अगर घर के काम करेंगे तो घर वाले भी खुश हो जाते हैं। तो इस वक्त मैं बहुत दिल में खुशी हो रही है कि मैं आज चुंचली जा रहा हूँ। चुंचली के निचले हिस्से में पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर हमारे भाई बिजी हैं, काम कर रहे हैं। ये रास्ता पक्का है पूरा, ऊपर जा रहा है चुंचली के लिए। एक तरफ मकान बन रहे हैं। तो आज मेरा जो व्लॉगिंग है वो सिर्फ चुंचली के लिए था। अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैंने फिर हला भी जाना है, वहाँ की व्लॉगिंग करनी है। बहुत ही खूबसूरत गांव है। वक्त चुंचली में हूँ, गांव में। ये घर जो नज़र आता है यहाँ पर, बहुत ही मशहूर शख्सियत, बहुत ही फेमस हमारे बनी वैली के। हर कोई इंसान बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक इनकी इज़्ज़त करते थे। इनकी शहद से मीठी ज़बान थी। वो मशहूर शख्सियत हैं ठेकेदार मामा जी बाजू राम जी, बहुत ही मशहूर शख्सियत है। वो इनका घर है यहाँ पर। मैं दिल की गहराइयों से उनका खराज अकीदत पेश करता हूँ। जब ये सुबह यहाँ के लोग जागते हैं तो इनकी नज़र जो है कुड़ीधार की तरफ जाती है। वो कुड़ीधार है सामने, जहाँ पर इस वक्त भी बादल हैं। ये सामने कुड़ीधार है। खुशकिस्मत लोग हैं, सामने नज़र पड़ती है इनको नुकनाल में, सामने है ये कुड़ीधार। ये पूरा मंदी धार है, बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ पर। ये लोग इस वक्त बिजी है अपने काम में, कोई खेत में है, कोई लेबर का काम करते हैं, कोई एम्प्लॉयड है। ऊपर मंदिर भी है सामने, ऊपर ये रोड भी है सरथल के लिए जाता है। एक रोड ये यहाँ से हल्ला और खुई घाट के लिए है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये मेरी रिक्वेस्ट है, कम से कम ये काम तो अब लगना चाहिए ताकि इन लोगों को फ़ायदा मिले कुछ ना कुछ। ये बहुत ही सुंदर घर है यहाँ पर। ये एक घर जो सामने मेरे फैन है, मैं उनका फैन हूँ, ठाकर मामा दायराम जी का घर है यहाँ पर। ये सामने आजकल वो जम्मू में है, जहाँ कहीं भी है मेरी दुआएं हैं उनके लिए, खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें उनके बच्चे, उनकी फैमिली। ये वीडियो अच्छी लगी लाइक्स कमेंट्स और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। फिर हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, खुदा हाफिज़।